हेलो गाइज, वेलकम बैक। आज का वीडियो रिलेटेड है टाइपिंग के बारे में। आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टाइपिंग टेक्निक बताऊंगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, और टाइप करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। लोग सालों से मोबाइल में टाइपिंग करते हैं, लैपटॉप में टाइपिंग करते हैं, लेकिन अभी तक बिना देखे टाइपिंग नहीं कर पाते। अगर आप कंप्यूटर लाइन में करियर बनाना चाहते हो तो टाइपिंग आपकी फास्ट होना जरूरी है, और आपको बिना देखे टाइप करना आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पता नहीं आपने कभी गौर किया कि नहीं, लेकिन आपके लैपटॉप में दो डॉट्स है, तो छोटा सा उभार है जो जनरली फिंगर कीबोर्ड में प्लेस करने में हेल्प करता है। आप कीपैड वाला मोबाइल कभी ना कभी चलाया होगा जिसके नंबर पैड के एक की में छोटा सा उभार होता है, उसी तरह लैपटॉप में भी दो की में उभार होता है, छोटा सा डॉट्स होता है, वो की है एफ और जे, जिसको हम इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर डॉट्स बोलते हैं। ध्यान रखें कि कीबोर्ड में हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम उस डॉट्स में इंडेक्स फिंगर को रखें, उसके बाद खुद सारा फिंगर एक रो में अरेंज हो जाएगा। आपके साथ मैं एक ट्रिक शेयर करूंगा जो आपको टाइपिंग जल्दी सीखने में हेल्प करेगी। उस ट्रिक का नाम है फिंगर मेमोरिंग। आप सोच रहे होंगे ये फिंगर मेमोरिंग है क्या? आपने लिप्स मेमोरिंग सुना होगा, बोलते समय जो ओठ हमारी हिलती है उसे हम लिप्स मेमोरिंग बोलते हैं। उसी तरह हम कीबोर्ड में फिंगर को चलाते हैं तो उसे बोलते हैं फिंगर मेमोरिंग। और हाँ, ये ट्रिक फिंगर मेमोरिंग बहुत इफेक्टिव है, और वादा है आपसे कि ये इस ट्रिक से आप बहुत जल्दी टाइपिंग सीखोगे। ध्यान रखें कि टाइप करते समय आप कीबोर्ड में एक की को दो से तीन बार ही देखें, उसके बाद बिना देखे फिंगर को मेमोरिंग करने की कोशिश करें। अगर आप बस दो घंटे तीन दिन मेहनत करते हो तो आप बिना देखे टाइपिंग करना चालू कर दोगे, आपको खुद पहले के कंपैरिजन में फर्क दिखने लगेगी। मैंने आपको बताया था कि एफ और जे की में एक छोटा सा उभार है, डॉट है छोटा सा, जो आपको फिंगर प्लेस करने में मदद करेगी। सबसे पहले आप इंडेक्स फिंगर को उस उभार में रखें, उसके बाद सारा फिंगर रखें। एक बार और ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार बिना कीबोर्ड देखे, ओके? चलिए, तो आप अपना फिंगर को कीबोर्ड में रखिए। ध्यान रखें, सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को उभार में प्लेस करना है, बाद में बाकी के फिंगर को।